इंडियन मार्केट में अगर मैं बात करूं बजट में अच्छी क्वालिटी के साउंड की, तो यहां पे नाम आता है क्रिएटिव जैसे ब्रांड का, जो यहां पे आपको बजट में बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी वाले स्पीकर्स प्रोवाइड करते हैं। तो आज मेरे पास इनका है क्रिएटिव पेबल V3। ये बहुत ही बजट में आने वाले स्पीकर्स है बहुत ही तगड़े साउंड क्वालिटी के साथ। बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे दो स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको एक USB 2 Type-C का जो है यहाँ पे एक डोंगल दिया गया है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने PC पे। तो ये है क्रिएटिव के पेबल V3। दिखने में बहुत ही एलिगेंट है और बजट में आपको काफी अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। एक चीज बता दूं, ये है लैपटॉप स्पीकर या फिर कहते हैं PC स्पीकर। तो स्पीकर डिजाइन में कुछ इस तरीके के दिखते हैं। यहाँ पे सामने की तरफ क्रिएटिव की ब्रांडिंग है, अंदर की तरफ ड्राइवर आप देख सकते हैं गोल्डन कलर में दिया गया है। वैसे यार दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे रेडिएटर्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ आते हैं। ये है लेफ्ट वाला स्पीकर, और देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरीके से जो है पूरा दिया गया है। नीचे की तरफ जो है आपको काफी अच्छी ग्रिप पैडिंग दी गई है जिसके मदद से आप इसे टेबल पे रख सकते हैं, ये जो है बिल्कुल भी यहाँ पे वाइब्रेट नहीं करेगा। और अगर आप अपने टेबल को सजाना चाहते हैं तो इन स्पीकर्स को रख करके आप अपने टेबल को सजा सकते हैं, अपने कंप्यूटर टेबल को सजा सकते हैं। ये जो स्पीकर्स है आपके टेबल के ऊपर काफी बढ़िया लगेंगे देखने में। ये है राइट वाला स्पीकर जिसमें आपको सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले है वॉल्यूम नॉब जिससे आप यहाँ पे वॉल्यूम जो है कम ज्यादा कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं इसी वॉल्यूम नॉब को यूज करके। यहाँ पे जो है नीचे की तरफ आपको एक ब्लूटूथ बटन दिया गया है जिसको आप क्लिक करके ब्लूटूथ ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। हाँ गाइज, इसमें ब्लूटूथ का ऑप्शन भी मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। नीचे की तरफ आपको एक गेन नॉब देखने को मिलता है या फिर एक गेन बटन देखने को मिलता है जो कि आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं अपने हिसाब से हाई पे या फिर लो पे। हालांकि दोस्तों ये एक डेस्कटॉप स्पीकर है तो आपको यहाँ पे वायर के साथ कनेक्टिविटी मिलती है, टाइप सी पोर्ट आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आपको और भी कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बता दिया यहाँ पे आपको ब्लूटूथ देखने को मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑक्स पोर्ट भी दिया गया है। यहाँ पे जो राइट वाला स्पीकर देख सकते हैं इसमें आपको ऑक्स पोर्ट मिल जाता है। वैसे ये जो स्पीकर्स है वो यहाँ पे 16 वॉट के पीक साउंड के साथ आते हैं। चलिए जल्दी से इन्हें कनेक्ट करते हैं और सुनते हैं इनकी साउंड क्वालिटी। यहाँ पे मैं फिलहाल अपने फोन के साथ ब्लूटूथ में कनेक्ट करने वाला हूँ स्पीकर को। देख सकते हैं यहाँ पे पेबल V3 के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा ब्लूटूथ के अंदर, और यहाँ पे हो चुका है पेयर। सेटिंग्स के अंदर चले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कोडेक का जो है कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जल्दी से साउंड सुन लेते हैं। साउंड टेस्ट से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ईयरफोन पहन लीजिए ताकि आपको पता चले कि किस तरीके की साउंड क्वालिटी इसमें मिलती है। I don't think it's a burger. You haven't looked? What the hell is that? How did you get it to do that? I think he likes me. Get it off! Get it off! Wait a minute. This ain't what you want. This ain't what you want. This ain't what you want. This ain't what you want.
okay, it's gonna be okay. तो यहाँ पे आपने सुन लिया इसकी साउंड क्वालिटी, भाई साहब बहुत ही तगड़ी साउंड क्वालिटी है, बेस भी काफी अच्छा मिलता है, पीछे से जो रेडिएटर्स दिए गए हैं इसमें वो काफी अच्छी तरीके से आपको बेस प्रोवाइड करते हैं, और जो आपको मैंने मूवी ट्रेलर दिखाया उससे आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे क्लैरिटी कितनी बढ़िया है, डायलॉग्स कितने अच्छे तरीके से सुनाई दे रहे थे इस वाले स्पीकर में। डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप डेस्कटॉप के लिए, लैपटॉप के लिए कोई स्पीकर ढूंढ रहे हैं तो बजट रेंज में ये बहुत ही तगड़े स्पीकर होने वाले हैं। तो ओवरऑल इस बजट रेंज में इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ सिर्फ क्रिएटिव ही आपको इतनी अच्छी साउंड दे सकता है। ओवरऑल इतना था इस वीडियो में। इस स्पीकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप इसे खरीद सकते हैं। बाकी ओवरऑल इतना था इस वीडियो में। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और आपका दिन शुभ रहे।